आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। आगामी समय में मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अनेक साधु संत भी राजनीति के अखाड़े में अपना योगदान देते हुए देखे जा सकते हैं। इसी तारतम्य में दल बदल कर भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों के क्षेत्रों में कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू कर दी गई है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को अब धर्म और अधर्म की लड़ाई बताते हुए उपचुनाव वाली उन सभी विधानसभाओं में संत समाज चौपाल कार्यक्रम का आयोजन करेगा जहां कांग्रेस के नेताओं ने दल बदल किया है। इसके लिए महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की अध्यक्षता में आज मंदसौर के लिए बड़ी संख्या में साधु संत रवाना हुए। मीडिया से चर्चा में कंप्यूटर बाबा ने भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं को गद्दार बताते हुए कहा कि चौपाल कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं से उन्हें चुनाव में वोट नहीं देने की अपील संत समाज करेगा। संत समाज की ये यात्रा लगभग एक महीने तक जारी रहेगी। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि किसी भी मतदाता को किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान की अपील संत समाज नहीं करेगा, लेकिन प्रदेश में जनता के मतदान के बाद चुनी हुई सरकार को गिराने वालों को वोट नहीं करने की अपील जनता से जरूर की जाएगी। नहीं, हमारा प्रदेश सरकार को ना, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जा रहे हैं। हमारा आपका सबका कर्तव्य है लोकतंत्र की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें। जिस ढंग से शिवराज सरकार बैठ गई है गद्दारों के साथ, गद्दारों ने, जनता ने चुना था कांग्रेस सरकार को, जनता ने चुना था कमलनाथ सरकार को, पर ये 15 महीने भी चुपचाप नहीं बैठ सके। शिवराज जी इतने तिल में ला गए कि जनता की वोट को बिकवा दिया और इन्होंने खरीद लिया, और 25 गद्दार जो इन्होंने ये बिक गए। अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म है जहां मतदाता जनता जनार्दन साधु संत हैं, तो दूसरी तरफ अधर्म है जिनके साथ शिवराज सरकार और 25 गद्दार हैं। अब हम घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और चौपाल कार्यक्रम करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे कि जनता जनार्दन से कहेंगे इन 25 गद्दारों को वोट नहीं देना है, इनका भरोसा नहीं, अभी पता नहीं कितने में बिके हैं, यदि आपने इनको जिता दिया तो ये डबल में जाके बिक जाएंगे, ये लोकतंत्र की हत्या करेंगे।